दोस्तों ध्यान से देखना कि आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड मूव होता दिख रहा है, बहुत ही कमाल का लग रहा है ना। इसे हमने मोबाइल फोन में शूट किया है और आप भी अपने मोबाइल फोन में शूट और एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना और एक लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। Hey guys, my name is Zev. Welcome back to JP Studio. दोस्तों इसे वर्टिगो इफेक्ट कहते हैं और ये इन्वेंट हुआ था 1958 में। इसे इन्वेंट किया था अल्फ्रेड हिचकॉक ने। दोस्तों बहुत लोग इसे डॉल्बी जूम इफेक्ट भी कहते हैं। डॉल्बी जूम इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डॉली और जूम दोनों का एक साथ यूज होता है। इसके बाद दोस्तों एक और नई ट्रिक आई जो बहुत लोग यूज करते थे। ये ट्रिक बहुत ही इजी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मोबाइल फोन में इसे ट्राई करें। तो दोस्तों इस इफेक्ट को कैसे शूट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो शूटिंग से पहले हमें कुछ कैमरा सेटिंग्स कर लेने हैं जिससे हमारा वर्टिगो इफेक्ट बहुत ही कमाल का है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेना है, वीडियो में चले जाना है, फिर हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद हमें वीडियो क्वालिटी रेजोल्यूशन हाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 1080p 60fps है तो इतना मैं हाई कर देता हूँ। और अगर आपके फ़ोन में 4K 60fps सपोर्ट होता है तो आप कर लेना, लेकिन 30fps बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस वर्टिगो की शूटिंग में हमें दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि मॉडल अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वहां पे वो एक्ट कोई भी करे चलेगा लेकिन वहां से हिल नहीं सकता। और दूसरा हमें वीडियो को बहुत ही स्टेबल तरीके से शूट करना है, यानी कि सेकी फुटेज नहीं आना चाहिए। और वर्टिगो के लिए आपको वीडियो कैसे शूट करना है, आप मॉडल के पास से वीडियो स्टार्ट करके दूर भी जा सकते हो या फिर दूर से आप वीडियो स्टार्ट करके पास भी जा सकते हो। सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपके मोबाइल कैमरा को ज्यादा हिलाना नहीं है, आपका वीडियो फुटेज स्टेबल होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत वीडियो सेकी हुई या फिर थोड़ी बहुत हिल तो मैंने एक ऑलरेडी एपिसोड बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि गूगल फोटोज में आप अपनी वीडियोस को कैसे स्टेबल कर सकते हो। ये एपिसोड आपको आई बटन में मिल जाएगा और हमारी चैनल पे भी मिल जाएगा। तो गाइस हमारे चैनल जरूर से विजिट करना और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे पता है यार आपको वीडियो पसंद आ रही, इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों ये वर्टिगो इफेक्ट मैंने शूट किया उसका रिजल्ट बता देता हूँ। एडिटिंग के लिए काइन मास्टर ओपन कर लेना है, 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं दो वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहला वीडियो वो है जो मैं दूर से मॉडल के नज़दीक गया और दूसरा वो वाला है जो नज़दीक से दूर गया था मॉडल के। तो दोनों ही वीडियो का वर्टिगो एडिटिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीडियो क्लिप के स्टार्ट और एंड पॉइंट को अच्छे से ट्रिम कर लेता हूँ क्योंकि जो मूविंग पार्ट है उसी में वर्टिगो बनने वाला है। फिर ट्रिम हो जाने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक कर लेना है और सेकेंड ऑप्शन पैन एंड जूम पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस स्टार्ट पोजीशन में मॉडल दूर है तो हमें जूम इन करके उसे नजदीक में ले आना है। इतना करके हमें डन कर लेना है और आपके वीडियो में वर्टिगो बन जाएगा और आपका वीडियो बहुत ही मस्त दिखेगा। और इसे और कूल करने के लिए हमें इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा लेनी जिससे आपके वीडियो में वर्टिगो इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। तो चलिए गाइस अब मैं आपको सेकंड वीडियो क्लिप पे वर्टिगो इफेक्ट बता देता हूँ। इसको मैं सबसे पहले अच्छे से ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मूविंग पार्ट में ही वर्टिगो होने वाला है। फिर दोस्तों पैन एंड जूम में चले जाना है और यहाँ पर दोस्तों एंड पोजीशन को जूम इन कर लेना है और यहाँ पर भी आपका वर्टिगो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस आप लोग ऐसे सिंपल तरीकों से वर्टिगो इफेक्ट अपने वीडियोस में बना सकते हो और किसी भी सोशल मीडिया पे अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। और गाइस एक फैक्ट बता दूं, वर्टिगो इफेक्ट को हम सालों पहले से देखते आ रहे, बचपन से देखते आ रहे। ये ज्यादातर हॉलीवुड मूवी सीरियल्स में यूज होता है, बॉलीवुड का पता नहीं, लेकिन अभी जो बागी 3 मूवी आई उसमें भी ये यूज हुआ है।
और गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आशीष संतलानी वो लोग भी वर्टिगो इफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। सो गाइस अगर आपको मोबाइल एडिटिंग में प्रॉब्लम्स है तो हमें कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए जरूर से सॉल्यूशन लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसी तरह के वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स और एडिटिंग ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।